हाल ही में बिन मौसम बरसात से नष्ट हुई फसल के मुआवजे को लेकर जहां किसानों को तहसील में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, तो कहीं लेखपालों के द्वारा मुआवजे के एवज में अन्नदाता से पैसे की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज किसान परेशान है। वहीं इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके गांव बसौती के चित्रकार व समाज सेवी महेश किंग गोर्धन के नीम गांव पहुंचे, जहां गांव के मंदिर पर महेश का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद महेश किंग ने ग्रामीणों को अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि सभी किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, उनके समस्या को लेकर वो जल्द ही लखनऊ भी जाएंगे। इनकी सब तुमने कहानी सुनी है, अभी नए निकाय जैसे चौधरी साहब है गए ऐसे विख्यात होंगे जी आगे चल के, जैसे हमारे यहाँ चौधरी साहब चरण सिंह का नाम हुआ है, इसी तरह हमारे महेश भाई साहब का नाम होना चाहिए। और पूरी बात ये सब तुम किसान की, तो ये पूरा पूरा साथ देंगे आपका, जो भी समस्या आपकी है किसान की, और किसान का भाई साहब किसान का ही बेटा सुन सकता है, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। तमाम कारिंदा एक भैया नेता भैया साहब चक्रेश्वर जी, वो तो भैया साहब चेयरमैन रहे और एमपी रहे साहब, रिफाइनरी लगाए गए अपना नाम कर गए। हमारे भारत में आज तक अब हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी बताओ नच गैया हमारे यहाँ क्या करेगी साहब, है नाच मौका है वो जाने, वो हमारे यहाँ लाए गए मथुरा में साहब कोई एमपी बना दी, हमने तो बाकी शक्ल देखी ना है। आप तक कारंदा भाई साहब है चौधरी जादन को आधे पैसा लेके कहिए वो आइए ग्रंट बता रहे आधे पैसा जाडन को ले गए और यहाँ और चार सब तमाम देख रही है बाबू जी कहा।